मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ससुराल, मेरे घर वाले, मेरे सूरत वाले घर के लोग, मेरे मुंबई वाले घर के बेटे, फलाना ढिमका, सारी बातें आपकी अभी हो जा रही है आंटी जी। पहले तो मुझे इस ब्लॉग के स्टार्टिंग ही मुझे आपसे ये पूछना था कि जिस वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ, जिस वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, आप और आपके प्यारे शौहर जी जो इतना जान से दिलों जान से ज़्यादा प्यार करते थे, आप लोगों के बीच में दूरी आई, झगड़ा हुआ, वो मैटर था रिहाना बॉस के 15 लाख रुपए का। तो आंटी जी मुझे आप ये बताइए कि आपका जो ये 15 लाख का मैटर है, जो रिहाना बॉस है, आप लोगों ने 15 लाख एठे लूटे भी बोल सकती हूँ, और उस लूटे हुए पैसे को हराम की कमाई में लगाया, सूद की कमाई में लगाया, सूद भी खाए, वो 15 लाख आखिर लिया किसने, या तो आपने लिया या फिर आपके बुढ़े ने लिया, ये तो आप लोगों ने क्लियर नहीं की। सारी बातें क्लियर कर दी कि लोगों ने आप लोगों को टोचा है, ये किया है, वो किया है, भड़काया है, ये फलाना ढिमका, जो हम लोगों को सुनने में इंटरेस्ट बिल्कुल अब नहीं है। शैतान को इंसान की नज़र नहीं लगती, शैतान को कोई भड़का नहीं सकता, शैतान लोगों को भड़काते हैं। खैर वो सब बातें तो छोड़ें, लेकिन जो 15 लाख का मैटर है, वो आपने ज़रा सा भी ना, आपने ना आपके शौहर जी ने वो 15 लाख का मैटर उछाला कि 15 लाख सारा सत्ता ने लिया या आयुब शेख ने लिया। कुरान खा के तो आप लोगों ने कई कस्में खा ली, कुरान की कई बार खा ली कि मैंने नहीं लिया, बुढ़े ने लिया, अकॉर्डिंग टू यू, बुढ़े के अकॉर्डिंग आपने लिया, आपके अकॉर्डिंग बुढ़े ने लिया। तो अगर आप लोगों के दोनों के अकॉर्डिंग अगर बात करें, दोनों ही अगर सही हो, तो हाफ ऑफ 50-50 आप लोगों ने लिया, तो रिहाना बॉस का 15 लाख जो है वो रिटर्न कौन करेगा? आधा आप करोगे, आधा आपका बुढ़ा करेगा, या फिर पूरा आप करोगे, या फिर पूरा आपका बुढ़ा करेगा, क्योंकि बुढ़े की तो सारी कमाई अभी आपकी बुढ़ा बोलता है। तो रिहाना बॉस का पैसा लौटाएगा कौन और लिया किसने, और लौटाओगे तो कब लौटाओगे, क्योंकि उस टॉपिक पर तो बात ही नहीं होती है। मुझे आप ये इस बात का आप जवाब दे दो, क्योंकि पूरी पब्लिक जैसे समूह बोलते हैं ना, वो जानना चाहती है कि 15 लाख का मैटर का क्या हुआ। रहा सवाल आपकी बेटी की कमाई की बरकत की, तो बेटे की कमाई में बरकत है वो तो आपने सबको बोल दिया, लेकिन बेटा क्या काम करता है वो तो आपने नहीं बोला। मैं बताती हूँ बेटा क्या काम करता है, जैसे कि आप हरामी, आपका दूल्हा हरामी, आपका बेटा हरामी, बड़े बेटे को मैं नहीं बोलूँगी, बेचारा बहुत सीधा साधा है, आपने हराम कमाई से अपने बेटे को पाला, आपकी कमाई का जरिया जो है वो भी हराम का था, सूद का था, वसूली का था, तो वैसे आपका हरामी बेटा, हराम काम से पला बड़ा बेटा, हराम की ज़िंदगी जीने वाला बेटा भी हराम कामा करता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, वो आपने लोगों को नहीं बोला, दिन भर जो कंप्यूटर लेके बैठा रहता है। जी हाँ, सायरा सत्तानी जी का महान बेटा अमीन सत्तानी जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, हराम की कमाई खाता है, और इस हराम की कमाई में बरकत तो होगी, क्योंकि हरामी माँ, हरामी सौतेला बाप, हरामी बेटा, हराम की ज़िंदगी, हराम की कमाई, और भाई हराम का खाना और हराम का भी पहनना, तो आप लोगों को तो हराम की जो कमाई होती है उसमें तो बरकत तो होनी ही होनी है, और आप लोगों की हराम की ज़िंदगी सूट होती है, क्योंकि हम हराम के पैदा हुए भी हैं नहीं, और हमको हराम का कमाई भी नहीं चाहिए, और हम दोली वाले भी खाते हैं ना तो हलाल का खाते हैं, हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम हराम के कमाई में और हराम के खाने में ही खुश है। आप लोगों को बरकत जो है हलाल में नहीं हराम में चाहिए होता है, वो अलग बात है। और रहा सवाल आपके जो आप जो बोलते हो ज़बान की, तो ज़बान की सच्ची तो अब भी नहीं आंटी जी, 5 वक्त की नमाज़, फिर तहज्जुद का नमाज़, फिर सर पे दुपट्टा, फिर जो है ना दीनदारी की बात है, ये सब कहाँ गया आंटी? अब वापस से नकली नाखून, नकली बाल, वही नकली वेशभूषा, वो सब आपने अपना लिया है। लेकिन आपका जो अभी जो जहाँ नमाज़ में बैठ के आप रोती थी, जिस जहाँ नमाज में बैठ के आप दुआएं करती थी आंटी जी, वो जहाँ नमाज तो आपका आजकल दिखाई ही नहीं देता, वो मुसल्ला आपका आजकल दिखाई ही नहीं देता है, आजकल तो नकली आंटी, नकली नाखून, नकली बाल, वही नकली चेहरे का रौनक, और ऊपर से नकली जिंदगी फिर से जीने लग गए, फिर से नकली ही बन गए। नकली तो शुरू से ही थी, इसीलिए तो आजकल निब्बा निब्बी की तरह रेलवे स्टेशन में पति को गले लगाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद गिरगिट भी रंग बदलने में थोड़ा सा शर्म तो करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग तो एकदम पलक झपकते, आप लोगों ने एकदम मतलब कि तहज्जुद, 5 वक्त की नमाज, सर का दुपट्टा, हमने थोड़ी देर के लिए सर का दुपट्टा ही क्या हटाया साला, हमारे तो ऐसा लगता है गिल्टी महसूस होता था हमको, ऐसा लगता था कहीं मैंने ये हटाया तो कहीं मेरे व्यूज़ तो नहीं कम हो गए,
ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, हम वापस से अपने वही पहले वाले वेशभूषा में आ गए, हमको ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। और आप लोग तो इतने सालों से ये नकली ज़िंदगी जी रहे, लेकिन इतनी 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 जिल्लत भरे खाना खा रहे, इतनी इतनी बेइज्जती आप लोग की हो रही, फिर भी आप लोग को अक्ल नहीं आई कि मतलब कि क्या ही बोलूँ। उम्रा से आने के बाद इंसान का, हज उम्रा करके आने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि हमारी, मैंने जितना सुना है कि हमारे जैसे पुनर्जन्म बोलते हैं ना, हिंदू में बोलते हैं पुनर्जन्म, से नई मतलब नई तरीके से मतलब कि ज़िंदगी होती है, हमारे पहले के सारे गुनाह माफ़ होते हैं, ये वो फलाना ढिमका जो भी बोला जाता है। और ये औरत उम्रा करके आके वही नकली नेल्स, वही नकली बाल, 2 दिन का दुपट्टा था सर पे, फिर वही दुपट्टा हट गया, फिर 2 दिन की नमाज और 2 दिन की दीनदारी की बातें, फिर वही वापस से नंगापन चालू हो गया। ये सब हजम कैसे होता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, ये हजम कैसे होता। वही निब्बा निब्बी की तरह प्यार शुरू, खुल्लम खुल्ला, अब तो रोमांस भी होता है, गले लगाया जाता है ना, उम्र का कोई लिहाज है नहीं होता ना। हम जहाँ पे रहते हैं, जो लोग हमको जानते हैं, वो लोग देख के क्या बोलेंगे, हमको एक ही चीज़ लगता है कि हमको देख के वो लोग क्या बोलेंगे। बट इनका आजकल तो सवेरे से लेके शाम तक, जैसे आँख खोली तब से लेके शाम तक अपनी प्राइवेट लाइफ जो होती है, एक मियाँ बीवी की एक होती है, हर किसी का होता है, चाहे मेरा हो आपका हो, हर किसी का पति पत्नी के बीच में एक प्राइवेट लाइफ होती है। तो उस प्राइवेट लाइफ का एग्जीबिशन किया जा रहा है, सवेरे से लेकर शाम तक सिर्फ रोमांस 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 ही दिखाया जा रहा है, निब्बा निब्बी की तरह। अब तो आजकल ऐसा होगा, बाथरूम की जो वीडियोज़ है वो शूट किया जाता है, रेलवे स्टेशन पे गले लगाया जा रहा है। हमने कभी, हम भी जवान हैं, हमारे भी पति है, बट आई डोंट थिंक सो आप या हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे बीच सड़क पे स्टेशन पे हम मुझे तो मैं हाथ पकड़ती हूँ, यहाँ पकड़ दी, क्योंकि मुझे सड़क पे चलना आता नहीं, मैं गाड़ी के नीचे चल जाती हूँ। बट मुझे ऐसा कभी याद नहीं है कि मेरे पति ने मुझे गले लगाया या फिर मैंने अपने पति को गले लगाया, ऐसा कभी हुआ। या फिर मैं अगर ससुराल भी जाती हूँ तो हम साथ में बैठ के बात करते हैं, मुझे तो वो पल भी याद नहीं कि बेडरूम के अलावा रात को दिन में भी मैंने अपने पति के साथ वक्त बिताए ससुराल में। यहाँ पर हम अलग रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इन लोगों का निब्बा निब्बी की तरह प्यार चालू है। फिर बोलते हैं कि दुनियादारी हमने देखा है, दुनियादारी जो है अल्लाह ने हमको दिखाई है, ऐसे वैसे। अरे बुढ़ा और बुढ़ी एक पर कब्र में है तो एक पर दुनियादारी में है, और इन लोगों को भी जानने का वक्त हो गया। अल्लाह ऐसे लोगों को दुनियादारी सिखाएगी, अल्लाह ऐसे लोगों को दुनियादारी सिखा दिए, ये तो तुम लोगों के कर्म का फल है, जो पैसा तुम लोगों ने लूटा है रिहाना बॉस का वो वापस तुम लोग करना ही था, बट वापस पैसा नहीं करना है बोल के ये सब तमाशा तो तुम लोगों ने ही करा है ना, ये सब तमाशा तुम लोगों ने पैसे के लिए ही तो करा है। तो अल्लाह तुम लोगों को दुनियादारी क्या सिखाएगी, जो तो पूरी दुनिया खा के बैठे है, दुनिया घूम के बैठे है, पूरी दुनिया के लोगों को ठगा के खा के बैठे, इन लोगों की दुनियादारी अभी इस बुढ़ापे में सीखने की बाकी रहेगी। पूरी दुनिया खा के, पूरी दुनिया के लोगों को घुमा के ठगा के तुम लोगों ने ये पैसा ऐंठ के बैठे हो, तुम लोग को अल्लाह क्या ही दुनियादारी सिखाएगा। और रहा बात नज़र वज़र, ये जो तुम अपने ब्लॉग में बोलते हो नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाती है ये वो, तो आंटी जी शैतानों को नज़र नहीं लगती, और ना शैतान भटकते, शैतान लोग को भटकाते हैं, लोग के कानों में वसवसे डालते हैं। और आप लोगों की तो अभी ये जो उम्र है, इस उम्र में और आप लोग हराम के पैसों का लोग क्या ही नज़र लगाएंगे। तो ये जो नज़र लगना ये वो, ये अच्छे लोगों को नज़र लगती है, सुंदर लोगों को नज़र लगती है, अच्छी फैमिली वालों को नज़र लगती है। आप बदसूरत काली को लोटी, आपका पति का 2 नाला बहता है, दोनों हरामी हो, खाते दोनों हराम का हो, बच्चे भी आप लोगों के हरामी हैं। आई अंकल की फैमिली की बात मैं नहीं करूं, आपके दोनों बच्चे हरामी हैं, तो आप लोगों को किस बात की नज़र लगेगी भाई, कमाते भी हरामी हो ना, उसमें क्या नज़र लगना, मुझे समझ नहीं आता। ये आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ खुद दिखाते हो, लोगों का पैसा खुद लूटते हो, लड़ते भी खुद ही हो एक दूसरे के साथ, और अपनी एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ जो बेडरूम की बात है वो भी खुद ही बाहर निकालते हो। आजकल तो ऐसा हो गया है कि कैमरा को ही अपने बेडरूम बना लिया, कैमरा के सामने ही सब कुछ करने लग गए हो। कल को ऐसा देखा जाएगा कैमरा के सामने कपड़े भी उतार दिए व्यूज़ के लिए, उन्हें वन उस कैमरा के सामने। देखो प्यार पति पत्नी है तो जाहिर सी बात है प्यार तो रह गई, अब पति पत्नी है और एक साथ रह रहे तो दुश्मन तो निभाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। मैं चाहे भले अपने पति को 100 बातें सुना दूँ गुस्से में, आज ही मैंने सुनाया, अभी भी बोल रहे थे कि छोटी सी बात को लेकर इतना गुस्सा क्यों करती, सॉरी ना। तो
पति पत्नी है, जाहिर सी बात है झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, सौ बातें सुनाई भी जाती है। मोस्टली हम औरतें सौ बातें सुनाते हैं और मर्द वो चुप होकर सुन लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारे बीच में प्यार नहीं है। भले ही मैं उनको सौ बातें सुना दूँ, भले ही वो मेरे को सौ बातें सुना दे, बच्चे हैं हमारे, तो बिना प्यार के तो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं और बिना प्यार के तो रिश्ते नहीं निभा रहे हम, है कि नहीं। बट उसको कैमरा के सामने ला के एकदम, अगर मैं अभी इब्बू के अब्बा के गोद में बैठ जाऊँ, उनको एकदम गले से लगा लूँ, भले ही हमारी उम्र है, हमारी उम्र है, हम अभी 30 के भी नहीं हुए, चलो अगर 30 के भी, अगर 35 के भी, एक बात की बात, 50 तो नहीं हुए ना, तो इस उम्र में अगर मैं इब्बू के अब्बा के भी गोद में बैठ जाऊँ, हमारे तो उम्र है ना भाई, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, मट्टी जमीन जवान भी नहीं हुए, 10 साल की मेरी बेटी नहीं हुई है, तो अभी मैं इब्बू के अब्बा के भी गोद में बैठ जाऊँ, ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। सबको पता है कि मियाँ बीवी है, अब प्यार है तभी तो शादी की है, प्यार है तभी तो बच्चा पैदा किया, प्यार है तभी तो रिश्ता निभा, बट दैट डजेंट मीन कि वो प्यार को हम कैमरा के आगे दिखाएंगे, उसके लिए वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी वीडियो ससुराल वाले भी देखते हैं, मायके वाले भी देखते हैं, ससुराल मायके वाले सब छोड़ दो, मुझसे को बहुत मेरी छोटी बहनें भी देखती हैं, मेरी बड़ी बहनें भी देखती हैं, हाँ कुछ कुछ बहनें गाइड भी करते हैं, मेरी कुछ माँ समान औरतें हैं वो भी देखते हैं, तो ये एक जो होता है ना एक मैसेज पहुंचता है, कल को मेरी बेटी जब बड़ी होगी मेरी वीडियोस देखेगी, या मेरा बेटा भी देखेगा, या फिर मेरी बहू या फिर दामाद भी देखेंगे, तो वो चीज़ शोभा नहीं देता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे आज के कर्म के ऊपर ना हमारे फ्यूचर जो होता है ना वो डिसाइड होता है, तो आज मैं जैसा करूँगी ना उसके ऊपर मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरा फ्यूचर होगा, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि बच्चों को फ्यूचर में जो है ना बातें सुनाए सुनने को मिले। और आप लोग तो ऐसे आंटी जी, नंगे को क्या ही नंगा करेगा कोई, मतलब नंगा नंगे को क्या है, नंगा क्या ही नहाएगा और क्या ही निचोड़ेगा, तो वैसे आप लोग का भी, आप लोगों का इज्जत ही क्या है और बेइज्जती क्या है, आप लोग तो जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हो, हराम का खा रहे हो, हराम का जी रहे हो। और रहा सवाल के पहले बहुत बोलते थे कि सूरत वाले घर के लोगों के बारे में बोलते थे कि सूरत वाले ऐसे हैं, सूरत वाले वैसे हैं, आयु अंकल का बेटा चोर है, आयु अंकल के बेटे ने प्लान बनाया था पैसा लूटने का, ये वो, आयु अंकल ने मेरा पैसा डुबा दिया, उसके बेटे ने मेरा पैसा डुबा दिया, ऐसा ऐसा। अब बेटे की क्या, बेटे की बेटी है, ये मेरी बेटी की बेटी है, और ये मेरी बेटी की बेटा है, ये है वो है, मतलब आप तो मतलब इतना भरप मिला भाप, पूरे रामायण में भी राम जब 14 साल के वनवास के बाद घर में लौटा था, मुझे लगता है कि राम का भी इतना भरप मिलाप नहीं हुआ होगा जितना इनका चल रहा है भरप मिलाप, सिर्फ दिखावा, बस दिखावा, हाँ दिखावे के लिए ही सूरत गई वो, कि दिखाने के लिए लोगों को इतना कि ये मेरी बेटी का बेटी है, ये मेरी बेटी का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा सूरत वाला घर है जो औधा मुझे मिलना चाहिए था, मतलब इतना दिखावा, इतना दिखावा, मतलब हद हो गई यार। जिस लड़के को चोर से लेके फ्रॉड से लेके पैसा चोरी किया, मेरे साथ गेम खेला, मेरे को लूटा, मेरे को ये किया वो किया, बोलने से मुँह थकता नहीं था, आज ये बेटा होगा, आज वो बेटी होगी, ये मेरा घर है, मेरा औहदा है, और मैंने आपा का ड्रेस पहना है, ऐसा मतलब कि गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। आंटी मैं फिर से बोल रही, तुम आती हो आंटी, तुम्हारे खाने के एक और दिखाने के अनेक दांत हैं आंटी। जिस सूरत वालों की बुराई करने से, अपने मुंह से बददुआएं देने से थकती नहीं थी, आज उस सूरत वालों की इतनी तारीफ, उस घर में जाना, उस घर का खाना, उस घर को अपना घर बोलना, मेरी वजह से इस घर में ऐसा ना हो वैसा ना हो, इतनी बददुआएं, इतनी बुराइयाँ, मतलब पति के साथ साथ उसकी पहली बीवी, उसकी पहली बीवी के बच्चों को भी बुराई करना नहीं छोड़ा, उनकी आजकल इतनी तारीफ, बाप रे बाप। और अपने व्लॉग में बोली थी आज कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है, ये हम लोग को पता चल गया। तो आंटी अपना तुम भी अपने पति का, तुम्हारा पति भी तुम्हारा नहीं है, अपना तो तुम भी है, तुम एक दूसरे की ही नहीं हो, तुम लोग तो सिर्फ पैसों के अपने हो, तो तुम लोगों का अपना कोई कैसे हो सकता है आंटी, कोई कैसे हो सकता है, ये तो बता दो। ये सब बोलने की बात है, अपना तो तुम भी अयूब शेख की, और अयूब शेख तुम्हारा नहीं है। और आज तो अयूब शेख बोलता है सायरा सत्तानी अयूब शेख, और पहले बोलता सायरा अयूब शेख जब तक नहीं बनेगी मैं उसको अपनाऊँगा नहीं। बाप तुम लोग का मुंह है कि पिछवाड़ा है, कि तुम लोग का मुंह की बात की कोई वैल्यू ही नहीं। कल इतनी बड़ी बड़ी हाँक रही थी कि अपनी ज़ुबान का रहना चाहिए, अपनी ज़ुबान का, ये ज़ुबान का, वो खुद की ज़ुबान का क्या, खुद की ज़ुबान का तो भरोसा, मतलब कि क्या बोलूँ, वैल्यू रखा ही नहीं तुमने, वैल्यू रखा ही नहीं तुमने और तुम्हारे मियाँ ने, बाप
फिर बोलती अब मैं तो सो गई थी, मुझे एसिडिटी हुआ था, फिर अभी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। एसिडिटी में आइसक्रीम आंटी कौन सा डॉक्टर डॉक्टर जो है वो सलाह देता है एसिडिटी में आइसक्रीम, मुझे तो समझ नहीं आता। फिर दरगाह जाती है, नकली चलो नकली नाखून तो अभी हटा दिया है, नकली बाल तो वैसे की वैसे ही आंटी वो तो नहीं हटाया, अब नकली बाल के साथ वजू होता है। मुझे तो जहाँ तक मैं तो चलो पैदाइशी मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो ईमान वाली हूँ, फिर भी मुझे जहाँ तक पता है नकली बाल नकली नाखून नेल पॉलिश ये सब के साथ तो वजू होता नहीं है। तो नकली बाल के साथ अगर वजू नहीं होता है तो तुम दरगाह में ज़ियारत करने जाती हो नापाकी के हालत में, या फिर तुम वीडियो शूट करने के लिए जाती है, तो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि नकली नाखून तुमने हटा दिया लेकिन नकली बाल तो नहीं हटाया, और नकली बाल के साथ तो वजू होता नहीं, वजू होता नहीं तो तुम दरूद शरीफ पढ़े हो कैसे, ज़ियारत करोगे कैसे, और नमाज भी जुम्मे का होगा कैसे। मतलब कि मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम जो इतने अल्लाह वाले दीन वाली बनती हो कभी एकदम से नाखून वाखून हटा के बाल वाल हटा के कभी नाखून के साथ बालों के साथ। मुझे ना अभी ना ऐसा हो गया ना इस्लाम में ना मुझे कन्फ्यूजन हो गया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। कोई मुझे समझाया ज़रा कि नकली बाल के साथ कोई ज़ियारत करने जा सकता है कि नहीं जा सकता है। यहाँ सवाल आंटी तुम बोलते हो अपने ब्लॉग में ऑनेस्टी और सच्चाई की बात, तो आंटी ऑनेस्टी और जो सच्चाई होती है ना ये जो दो लफ्ज़ है, इन दो लफ्ज़ का ना तुमसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तुम्हारे सौतेले चचेरे खचेरे जितने भी हैं दूर दूर तक तुम्हारा कोई नाता नहीं। क्योंकि सच्चाई और ऑनेस्टी एक दो ऐसी चीज़ होती है ना जो एक फीचर्स होती है जो इंसान के अंदर होता है, जो जब ऊपर वाला सच्चाई बांट रहा था ना ऑनेस्टी बांट रहा था वफादारी बांट रही थी तो वो जो है ना वो तुम उस दिन एब्सेंट थी, तो उस चीज़ के बारे में तुम बात नहीं करो तो बेटर होगा। क्योंकि तुम्हारा सच क्या है और तुम कितनी सच्ची हो कितनी ऑनेस्ट हो कितनी लॉयल हो ना वो पूरी पब्लिक जो समूह होते पूरी पब्लिक तो पूरी पब्लिक को पता है कि तुम कितनी सच्ची हो कितनी लॉयल हो। एलोंग विद तुम्हारा जो मियाँ है तुम लोग कितने सच्चे और ऑनेस्ट हो वो सबको पता है। तो ऐसी बातें ना करो, नज़र लग जाती है। अल्लाह हमको दुनियादारी जो पूरी दुनिया को लूट के खा के बैठ के ठग के चूना लगा के बैठ के दुनियादारी की बात कर रहे हैं, जो ज़िंदगी भर सिर्फ झूठ के दम पे और हराम की कमाई और हराम ही की ज़िंदगी बिताए वो लोग सच्चाई की बात करें, तो ये कुछ शब्द है ना आंटी वो तुम्हारे मुँह से शोभा नहीं देते हैं। और सच्चाई ऑनेस्ट भी तुमको गालियाँ भर भर के दे रहे होंगे, लानत भेज रहे होंगे, लानत तो तुम्हारे मुँह से टपक ही थी। जितने भी तुम बाल खुले रख लो, बाल नकली बाल लगा लो, कुत्ते की पूँछ लगा लो, घोड़ी की पूँछ लगा लो, लेकिन लानत तो तुम लोग की शक्ल से टपकती ही टपकती है। तो ऐसी वर्ड जो है अपने मुँह से ना निकालो, क्योंकि ऐसे वर्ड तुम्हारे मुंह से ना गाली जैसी लगती है। तो चलिए आज का व्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे यार, क्योंकि तबीयत ख़राब लेके वीडियो बनाती हूँ, अब समझ सकते हो घर बच्चे सब कुछ करके फिर तबीयत ख़राब रहती है फिर भी वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। सो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, कुछ नहीं बस एक लाइक ही कर दो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।